सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटी जिसमें प्राइवेट इंडस्ट्रीज को आपने एक कंपनी का नाम दे दिया है जो कि एक रजिस्टर्ड होना चाहिए कंपनी एक्ट 1956 में. बट माय पॉइंट इज ये एक स्टेट और एक पब्लिक ट्रस्ट और एक कंपनी रजिस्टर्ड है या कोई भी सोसाइटी. सपोज आई एम रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत मैं भी अपनी प्राइवेट इंडस्ट्री ओपन कर सकता हूँ. बट वो खुलेगा जो स्टेट और सेंट्रल एक्ट के द्वारा. नेक्स्ट वन इज डीम्ड यूनिवर्सिटी. डीम्ड यूनिवर्सिटी सेक्शन 3 यूजीसी का इसके साथ डील करता है. ये कहता क्या, ऑल दोज इंस्टीट्यूशंस हु आर परफॉर्मिंग कॉन्स्टेंटली हाई एनफ विल गेट द स्टेटस डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज. दीज इंस्टीट्यूशन कैन अवॉर्ड डिग्रीज अंडर हिज ओन नेम. Let's consider past year's deemed universities के बारे में. एक बार कहता क्या है, सबसे पहले आएंगे गाइस आप क्वेश्चन नंबर ओके. सो हर यूनिवर्सिटी के पास कुछ परफॉर्मिंग एंड नॉन परफॉर्मिंग एक्टिविटीज होती है. नो डाउट इट. डीम्ड यूनिवर्सिटी कोई क्वेश्चन दिखाई दिया. क्वेश्चन नंबर 12 offer program in higher education and issue degree. Yes, they can. Second.